आदाब नमस्कार सत श्रीकाल जिंदगी मेरे दोस्त हैं। आज मैं बेहद खुश हूं कि मेरे छोटे भाई सनी न्याजी साहब मेरे पास आए। खुश यूं भी हूं क्यों वो मेरे गांव के हैं। जब आदमी एक गांव का किसी के पास आता है ना तो फिर वो खुशी होता है, एक शहर से मतलब दिल लगाव होता है उस जगह से। और माशाल्लाह से बड़ा बढ़िया तबला बजाते हैं, बड़ा लाजवाब आर्टिस्ट और बहुत लाजवाब इंसान है। क्योंकि एक आर्टिस्ट होना अलग बात है और एक इंसानियत होना अलग बात है, और माशाल्लाह से इनमें दोनों ही कूट कूट कर भरी हैं। ये बदायूं के रहने वाले हैं और मैं भी बदायूं का ही रहने वाला हूँ, तो इसलिए जब एक जगह से और दूसरे शहर में मिलते हैं तो बड़ी खुशी होती है राजू भाई। तो मैं मेरे पास आज ये तबले, वैसे तो अक्सर आते ही रहते हैं, लेकिन मैंने कहा यार आज सनी भाई आप भी आए तो वीडियो बनाई जाए, और इनके लिए मैंने ये तबला तैयार किया है। और ये सरजमी की बात है कि माशाल्लाह कि वहाँ चाहे फनकार हो चाहे हम बदायूं शरीफ के जहाँ से हम लोग बिलोंग रखते हैं, पटियाली एटा हजरत अमीर खुसरो का जन्मभूमि मानी जाती है। उस समय हजरत अमीर खुसरो बदायूं में ही एटा और पटियाली लगता। जी हाँ, उस टाइम पे ये लोगों को बड़ा कम लोगों का मालूम है कि जो पटियाली शहर है वो पहले बदायूं में लगता था, और हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह जो हजरत निजामुद्दीन औलिया के शागिर्द भी है और जिन्होंने तबला इजाद किया है वो भी हमारे गांव के थे। ख्याल गायकी का आविष्कार करा, जहाँ से ये तबला बना पूरी दुनिया में तबला आया वो हमारे गांव के थे, हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने सितार बनाया, रबाब बनाया, सरंगी बनाई, कई ताले कई राग आपने बनाए, तो ये सब उनका करम है, हम लोग कुछ नहीं है। लेकिन उनका करम जब बुजुर्गों की दुआएं साथ में होती है तो इंसान सक्सेस करता है, कहीं भी जाता है वो सक्सेस करता है, तो ये सब करम ही है। हम लोग जहाँ भी जाते हैं हम लोग सरजमी के। और एक चीज और, शंकर शंभू जो कवाल हुए हैं वो भी हमारे यहाँ कर जाफर बदायूं हुई, राशिद खान साहब, गुलाम मुस्तफा खान, ये सब बदायूं भाई। देखो गुलाम मुस्तफा खान कितने उनके शागिर्द हैं, हरिहरन जी, सोनू निगम, आशा जी, बी आर रहमान, मतलब सारी आधी से ज्यादा फिल्म इंडस्ट्री हमारे गांव के यहाँ से, आधी से ज्यादा फिल्म इंडस्ट्री भाई आशा जी गुलाम मुस्तफा खान से। सद्दू भाई आपके तो कलाकार हो। अरे बस ये तो बस अल्लाह का करम है, उसका एहसान है, हम लोगों की दुआएं। तो सबसे बड़ी चीज है ये कि भाई तो आज ये आए मेरे छोटे भाई हैं, मैंने कहा भाई चलो आज सनी भाई और बहुत बढ़िया तबला बजाते हैं माशाल्लाह से, और ये हमारे भाई भी आए हुए उत्तराखंड से, ये भी एक आर्टिस्ट है बहुत। क्योंकि आप अच्छा काम करते जाइए, अच्छे लोगों से जुड़ते जाइए, और उनसे जो भी काम करे रीजनेबल, किसी का दिल दुखा के पैसा ना लो। जो लोग ले रहे हैं कि 10-20 हजार 50-50 हजार रुपए की जोड़ियां हिंदुस्तान में बेच रहे हैं तो वो एक ही बार बेचते हैं, एक बार बेच के, लेकिन खाल भी भाई, खाल भी भाई, मटेरियल भी, सब कुछ भाई, तो इतना कहाँ होगा भाई। आर्टिस्ट को अगर कभी 10 लाख रुपए कमा रहे हो तो वो 50 हजार रुपए की जोड़ी जरूर ले सकता है। Thank you.
सब करते थे, हाथ से ठेका देते थे और मुंह से बोल पड़ते थे। क्या बता जितने भी लोग हैं वो कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ हर फन में अलग ही होते हैं। ये बात हकीकत है, उस सरजमी की बात ही अलग है, मतलब जो मिलेगा एक अलग अंदाज में अलग बात उसकी निकलेगी। इतने इतने बड़े फनकार हुए हैं। देखो हमारे ही जिले में शेजवान रामपुर शेजवान घराना जी नो डाउट। एक्चुअली क्या है राजा भाई, ये जो बात बोल रहे हो मैं अपने मुंह से नहीं बोल रहा क्योंकि आप मेरे से प्यार करते हो शायद इसलिए बोल रहे हो, लेकिन जो लोग घर में बैठ करके जो तबला कह रहे हैं कि भाई ये देखिए वो तबला पहले बजाना बनाना तो आता ना, तो बोले मैं बजा के दिखाता हूँ, देखो जी ये मैंने बनाया। अब उन लोगों से ये कहा जाए भाई आप तबले की थाप वो चांद बराबर करके दिखाइए, सिखाने भी रहे। हाँ कह रहे जी मैं तो तबला बनाता हूँ जी, जब मैं तो आपसे तबला बनवाता हूँ तो क्या चाहता हूँ आपको थाप वो चांद लोग के नाम बिल्कुल बराबर चाहिए, आप बड़े बारीक इंसान है। देखो आपको खुश करना, अरे देखो जैसे जो जो बड़ा लोग होते हैं समुद्र बड़े आराम से बहता है। कभी रियाज करते हैं नहीं, ये नहीं, लोग बात कहते हैं कि भाई हमारे पास हमसे ये नहीं होता वो नहीं होता, घर में बैठ के वो तबला बजाना है कहना है ये देखिए जी वो काम नहीं होता, आप करके दिखाइए जब तो नाम होगा, काट की हांडी एक बार चढ़ेगी चाहे वो किसी की भी हो। और जितने मेरे दोस्त हैं सबसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरा हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ देखो ऐसा है घर में बैठ के जो तबला लोग बजाते हैं मेरे पास बड़े लोग कहते हैं शिकायत करते हैं भाजी ये हमने खरीदा या भाई साहब ये हमने खरीदा, तो मैं उनसे भी जितने भी मेरे दोस्त हैं सबसे यही कहूंगा कि दिल्ली में या हिंदुस्तान में बहुत बहुत बढ़िया लोग तबला बना रहे हैं, सिर्फ बनाने वाले से खरीदो, जो चीट कर रहे हैं घर में बैठ के बजा रहे हैं उनसे बचिए। राजू भाई आप भी यही बात बोलिए क्योंकि आप इसके शिकार हो चुके हो। देखो बहुत बढ़िया बढ़िया, मैं ये नहीं कहता कि मैं ही बहुत अच्छा काम करता हूँ, मेरे से भी अच्छे अच्छे लोग काम कर रहे हैं, तो सबको मौका दीजिए आप। और एक आप अपने भाई का चैनल ब्लू म्यूजिकल के अंदर जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बजाएं, उसे लाइक करें, बढ़िया बढ़िया सुझाव करें, जितना मैंने बोला है अगर कोई गलत बोला है तो उसकी मैं माफी चाहता हूँ। आदाब नमस्कार सत श्री अकाल।